नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। मैं हूँ सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज को स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ड्रॉ करते हैं आई, और मैं उसमें ड्राइंग टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ड्राइंग को। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उम्मीद करूँगा कि आप कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लेसमेंट कर लेंगे ड्राइंग का। उसके बाद जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसका जो स्पेस डिवीजन है वो कर लेंगे। उसके बाद हम इसका ड्राइंग शुरू करेंगे। तो ड्राइंग में सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हमारा आइरिस है वो बनाएंगे, उसका प्लेसमेंट जगह स्पेस देख के कि कितनी दूरी पे है, कितनी जगह छुटी हुई है दोनों तरफ से, चारों तरफ जितने भी एरिया हैं उस तरफ से। तो उसके बाद उसमें ऐड करेंगे उसका, जब आइरिस ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे कि इसमें प्यूपिल बनाएंगे, प्यूपिल ड्रॉ करेंगे। और ड्राइंग में ज़्यादातर क्या होता है कि जब अगर आप कलरिंग करने वाले हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है हर किसी का अलग अलग मानना हो, लेकिन मैं बहुत कम डिटेल करता हूँ ड्राइंग में, क्योंकि बाद में जो कलरिंग करूँगा उसमें मैं सारे डिटेल्स करता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसका आईलिड बनाएंगे उसके बाद। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं इसमें जो आईलेसेस है वो नहीं बनाऊँगा, वो मैं आखिर में ब्रश से बनाऊँगा। पेंसिल की बात करें तो मैं यहाँ पे 6B पेंसिल यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका जो लेड होता है ग्रेफाइट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो कि जब आप वाटर कलर करते हैं तो वो उसमें मर्ज हो जाता है। बाकी ये हैंडलिंग पे भी डिपेंड है, अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी है तो आप भी 6B इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो लाइट पेंसिल होती है जैसे HB वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फाइनल ड्राइंग हो वो और ज़्यादा परफेक्ट हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस तरह से पहले शुरू में आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जल्दी जल्दी, जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि पहले आप जल्दी जल्दी से रफली ड्राइंग करना प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपका जो फाइनल ड्राइंग होगा, फाइनल जो भी आप बनाएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइनल ड्राइंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। या ये तो उसका जो आपका रेफरेंस होगा उसको देख के आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन से भी, बस आपको पेंसिल मूव करना है कि इसमें किस तरह के लाइंस गए हैं, जैसे कर्व लाइन है तो कर्व हो गए, राउंड है तो राउंड, फिर स्ट्रेट, फिर इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग करने से पहले, बस थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। Thank you.
तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप और चाहते हैं कि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स और भी बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।